एक गांव में बाशा नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा भला इंसान था, बच्चों को उससे बहुत प्यार था। उनके गांव से बच्चे जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे वो बहुत दूर था, इसलिए सरकार बच्चों के लिए आसपास के गांव से बस चलाती थी। हर रोज की तरह एक दिन वो जूस शॉप में पहुंचा और बोला, नमस्ते काशी भाई। हाँ हाँ नमस्ते बाशा भाई, आ जाओ। ताजा तर्रार जूस क्या मिलेगा? पाइनएप्पल रेडी है। अरे ये क्या भाई, हर रोज पाइनएप्पल ही पिलाते हो, कुछ और नहीं बेचते हो क्या? यार मैं क्या करूँ, ये सारे बच्चों को पाइनएप्पल जूस बहुत पसंद है, तो मुझे वही बेचना पड़ेगा ना। लाहौल विलाखुवत, एक पिलाओ। उस स्कूल के हेडमास्टर मूर्ति जी को बाशा से बड़ा लगाव था। मूर्ति जी एक दिन घर पर खाना खा रहे थे, उसकी बीवी सुंदरी ने कहा, सुनिए जी आपको एक काम करना पड़ेगा। सोचा था मैंने ऐसा कभी होता नहीं, पर आज मेरी बीवी ने मेरे पसंदीदा खाना बनाकर परोसा है। जानता था मुझसे कोई काम जरूर आन पड़ा है। हाँ हाँ बताओ, शॉपिंग बिल कितनी लंबी है? हर वक्त शॉपिंग बिल ही होती है क्या? ओह तो इस बार उससे भी बड़ा बिल होने वाला है। छोटा हो या बड़ा, पहली मेरी बात तो सुनो, वो मेरा भाई है ना। कहाँ है, दिख तो नहीं रहा। अरे छोड़ो भी हंसी मजाक, सुनो ना। हे राम, तुमसे शादी करने के बाद मुझे मजाक करना भी आता है क्या? सुनो ना, मेरा छोटा भाई बेकार बैठा है, वो तुम्हारा स्कूल बस है ना, उसे चलाने का काम उसे दिलवाओ ना। क्या बस ड्राइवर? बिल्कुल नहीं, उस बस को चलाने के लिए ड्राइवर है, उसको निकालना मेरे हाथ में नहीं है। इसके अलावा वो भला आदमी है, तुम्हारे भाई के तरह उड़ता पतंग नहीं है। हाय राम, बीवी ने एक चीज मांगी वो भी नहीं कर सकते, मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी? ओ मेरी अम्मा हेला मालिनी, तुम्हारे नाटक में अच्छी तरह से जानता हूँ, रोक। मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, मेरे छोटे भाई को उस बस का ड्राइवर बनाना ही पड़ेगा। नहीं बनाया ना तो देखना, हाँ आपके दूध में जहर मिलाकर मार दूंगी। हाँ अरे बाप रे, ऐसा काम तो कर भी सकती है। नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करना, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। दूसरे दिन स्कूल में अपने कमरे में बैठकर वो सोचने लगे, क्या करूँ क्या करूँ, आइडिया। उन्होंने अटेंडर को भेजा बस ड्राइवर बाशा को बुला लाने के लिए। उन्होंने बाशा से कहा, अरे देखो बाशा भाई, तुम तो इस बस को कई साल से चला रहे हो, पर अब सरकार ने नए रूल्स निकाल दिए हैं। जो भी बस में ज्यादा बच्चे भर के ला सकेंगे उनकी नौकरी टिकेगी। अब देखो बाशा भाई, तुम इस काम पे लग जाओ। अभी अभी एक आदमी आके बोल के गया है कि ज्यादा बच्चों को वो ला सकता है। वो वापस अपना दोस्त के जूस शॉप पर आया और मुंह लटका के बैठ गया। उसे देखकर काशी ने पूछा, क्या हुआ, मुंह क्यों लटका बैठे हो? बाशा ने उसको पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर काशी ने कहा, अरे बाशा भाई, बच्चों को भुलाना बहुत आसान होता है, ऐसा कोई काम करो जो बच्चों को बहुत पसंद हो, फिर देखना सामने वाला लाख रुपए भी देगा तब भी बच्चे तुम्हारे ही बस पर चढ़ेंगे। ये सुनकर कुछ देर के लिए बाशा सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसको आइडिया सूझा। वो दौड़कर अपने बस के पास गया और बस को एक पाइनएप्पल के आकार में बदल दिया। अब तो बच्चे बस में चढ़ने के बहाने से ही सही स्कूल आएंगे। इसके बाद उसने गांव में बस के चक्कर लगाए। पर इधर सुंदरी का भाई बच्चों को पैसे देकर मैनेज करके उसके बस में चढ़ने के लिए राजी किया हुआ। पर जैसे ही बच्चों ने पाइनएप्पल आकार का बस देखा, सब दौड़ के उसी बस में चढ़ गए और इसके वजह से उस स्कूल में एडमिशंस बढ़ गए। बाशा का नौकरी भी कायम रहा और सुंदरी का भाई जो सोच रहा था कि घूस देकर बच्चों को खरीद लेगा, उसके सपने मिट्टी में मिल गए। एक दिन अर्जुन और कीर्ति एक कॉफी शॉप में बैठ के बातचीत कर रहे थे।
ए, तेरे चेहरे पे कुछ चिपका है, देख। क्या? सुंदरता ऐसे नहीं जाएगी। अच्छा, तुम्हारे सिर पर कुछ है? क्या है? बाल, खींचो तो निकल जाते हैं। मुझे भी डायलॉग मारना आते हैं। कॉफी पियोगी या चाय? क्या चाहिए बताओ? हमारे शादी का डेट चाहिए। हाँ तो पता कर लेंगे पुजारी जी से। तो करो फोन। वो फोन में बैलेंस नहीं है, फिर से कर लूंगा। पता नहीं मैं तुझसे कैसे प्यार कर बैठी। ये सब क्यों याद दिला रही है? मीठी यादें नहीं। अच्छा हुआ क्या है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे पिताजी मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं। एक महीने में अगर तुमने सेटल होकर मुझसे शादी नहीं की तो अगली राखी को अपने पति के साथ आकर तुझे राखी बांध के जाऊंगी। अरे अरे ऐसा मत बोल यार, कोई ना कोई काम ढूंढता हूँ और तेरे बाप से बात करता हूँ। उसके बाद ही मुझसे मिलना। अर्जुन अपना दोस्त अजय के घर आ पहुंचा। घर के एक कोने में अजय बैठकर रो रहा था। ए, क्या हुआ तेरे को? रो क्यों रहा है? किसी ने मारा है क्या? अरे वंदना मुझे लात मार के चली गई। हुआ क्या? अरे उसका बाप अमेरिका से रिश्ता ला रहा है। उसने कहा एक महीने के अंदर मैं कोई काम धंधा ढूंढ के उसके बाप को मना के उससे शादी नहीं किया तो किसी और के साथ अमेरिका उड़ जाएगी। अमेरिका उड़ जाएगी। अरे रे चुप हो जा, अब प्यार किया है तो मुसीबत झेलनी तो पड़ेगी ही। मेरे वंदना के बिना अरे बात तो पूरा कर। मैं पागल हो जाऊंगा। अरे रे 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 रे, कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ करके उनके बापों को मना कर हम शादी जरूर करेंगे। हाँ, हम जरूर करेंगे। अच्छा तो बता क्या करेंगे? एक महीने के अंदर ससुरा को आकर पैर छूकर बेटी के हाथ अपने हाथ में देना होगा। अरे क्या करना है, मुझे पता होता तो यहाँ बैठ के सर पीटता क्या? कॉल टैक्सी। सिटी में कॉल टैक्सी का डिमांड बढ़ रहा है और लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। यार अर्जुन, इस न्यूज चैनल के वजह से दुनिया की भलाई हो ना हो, अपनी तो भलाई हो गया समझो। हमें कैब सर्विस खोल लेते हैं। यार आइडिया तो बढ़िया है, शुरू करते काम। अच्छा अपना कैब सर्विस का नाम क्या रखेंगे? वो ऑरेंज कैब वाले हैं ना, अपन मैंगो कैब रखते हैं। ठीक है फिर कंफर्म। सब तय हो गया था तो जल्दी जल्दी उन्होंने पैसा जमा किया और कैब सर्विस खोल दिया। पर उनकी गाड़ी चल नहीं रही थी, कस्टमर नहीं आ रहे थे। इस तरह एक हफ्ता बीत गया, उनका कैब का एक भी बुकिंग नहीं हुआ। एक दिन कीर्ति और वंदना मिलकर इनके ऑफिस आ पहुंचे। हफ्ता हो गया था फिर भी कोई बुकिंग नहीं आया सुनकर कीर्ति ने कहा, मैंगो कैब्स नाम तो अच्छा है लेकिन कोई इस कैब को बुक क्यों नहीं कर रहा? लोगों को अगर हम कैब्स को नई तरह से दिखाएं तो? अभी इस कैब को एक मैंगो की तरह बदल दो, देखने में एकदम आम की तरह होना चाहिए, तब देखना सब लोग हमारे ही कैब को बुक करेंगे। आइडिया सबको पसंद आया था, इसलिए सारे कार्स को मैंगो के आकार में बदलकर रास्ते पर उन्हें घुमा घुमा कर पब्लिसिटी करने लगे। लोगों को भी अच्छा लगा, आम के आकार का कार रास्ते पे घूम रहा था तो उनकी बुकिंग्स चालू हो गई। दिन ब दिन कस्टमर बढ़ते जा रहे थे और कुछ ही दिनों में उनका कैब सर्विस बढ़िया सक्सेसफुल हो चुका था। इसके बाद अर्जुन और अजय ने अपने ससुरों को मनाया, अपने प्यार से शादी कर ली और घर बसा लिया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।